हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्निंग एज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, व्हाट इज सेट पॉइंट? सेट पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन पर नजर मार लेते हैं। डिफरेंस ऑफ एलआरवी एंड यूआरवी, यानी कि एलआरवी और यूआरवी का डिफरेंस। ऑप्शन बी है करंट वैल्यू ऑफ एनी प्रोसेस पैरामीटर, किसी भी प्रोसेस पैरामीटर की जो भी करंट वैल्यू है। या ऑप्शन डी, वैल्यू ऑफ प्रोसेस वेरिएबल टू बी मेंटेन्ड, किसी भी प्रोसेस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको कि हम मेंटेन रखना चाहते हैं। या ऑप्शन डी, मिनिमम वैल्यू दैट ए इंस्ट्रूमेंट कैन रीड, वो मिनिमम वैल्यू जिसको कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है। दोस्तों, सभी ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, एलआरवी और यूआरवी का डिफरेंस, इसको हम स्पैन कहते हैं। ऑप्शन बी, करंट वैल्यू ऑफ एनी प्रोसेस पैरामीटर, इसको हम प्रोसेस वैल्यू बोलते हैं। ऑप्शन डी, मिनिमम वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट कैन रीड, वो वैल्यू जिसको कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है, वो मिनिमम वैल्यू, इसको हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन। ऑप्शन सी, दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वो वैल्यू जिसको कि हम मेंटेन रखना चाहते हैं, वो कहलाता है उस इंस्ट्रूमेंट का सेट पॉइंट। क्वेश्चन इज, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, अर्थात किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस विल बी हाफ, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अर्थात इसका सही उत्तर है आंसर सी, रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्वेश्चन इज, अगर किसी कंडक्टर की लंबाई डबल कर दी जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, या ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर ऑप्शन डी, इसका रेजिस्टेंस 20% कम हो जाएगा। दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर किसी कंडक्टर की लंबाई डबल कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, ऑप्शन है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस आधा रह जाएगा, या फिर ऑप्शन डी, इसके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड।
अगला क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज इंक्रीज देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, अर्थात किसी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी उसके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लास थर्मामीटर, ऑप्शन बी फील्ड सिस्टम पायरोमीटर, ऑप्शन सी इंफ्रारेड पायरोमीटर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों ग्लास थर्मामीटर और फील्ड सिस्टम पायरोमीटर दोनों ही कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंफ्रारेड पायरोमीटर कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें इंफ्रारेड किरणों का यूज होता है, अर्थात इसका सही उत्तर है आंसर है ऑप्शन सी इंफ्रारेड पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रोटामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। द ऑपरेशन ऑफ रोटामीटर इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द नोजल, ऑप्शन बी है वेरिएबल फ्लो एरिया, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल प्रेशर, या फिर ऑप्शन डी फैराडेज लो। दोस्तों प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द नोजल, वेंचुरी ट्यूब प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द नोजल के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन सी डिफरेंशियल प्रेशर, जो डीपी फ्लो मीटर है वो डिफरेंशियल प्रेशर के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ऑप्शन डी फैराडेज लो, मैग्नेटिक फ्लो मीटर में जो सिद्धांत यूज होता है वो है फैराडेज लो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी वेरिएबल फ्लो एरिया। रोटामीटर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है वेरिएबल फ्लो एरिया, अर्थात आंसर बी वेरिएबल फ्लो एरिया। क्वेश्चन इज, बोर्डन ट्यूब के द्वारा किस प्रोसेस मीडिया का प्रेशर मेजरमेंट किया जा सकता है। बोर्डन ट्यूब इज यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट ऑफ विच प्रोसेस मीडिया। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल सॉलिड मीडिया, ऑप्शन बी है ओनली लिक्विड मीडिया, ऑप्शन सी है ओनली गैस मीडिया, या फिर ऑप्शन डी बोथ लिक्विड एंड गैस मीडिया। दोस्तों बोर्डन ट्यूब एक तरह की फ्लेक्सिबल मेटलिक ट्यूब होती है जिसके द्वारा किसी भी सॉलिड मीडिया का प्रेशर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसका सही उत्तर है आंसर डी बोथ लिक्विड एंड गैस मीडिया। अगला क्वेश्चन है, एलवीडीटी किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन बी म्यूचुअल कंडक्टेंस, ऑप्शन सी म्यूचुअल रेजिस्टेंस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों एलवीडीटी अर्थात लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर मोमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये एक प्रकार का
ट्रांसफार्मर होता है और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एलवीडीटी म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंट्रोल लूप का फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए आरटीडी, ऑप्शन बी प्रेशर ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन डी फ्लो मीटर। दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल वाल्व। दोस्तों हमेशा किसी भी कंट्रोल लूप का जो फाइनल एलिमेंट होता है वो होता है एक कंट्रोल वाल्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल वाल्व। मैनोमीटर का यूज निम्न में से किस पैरामीटर को मेजर करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए गेज प्रेशर, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट प्रेशर, ऑप्शन सी नेगेटिव प्रेशर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर है गेज प्रेशर। मैनोमीटर के द्वारा गेज प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन है, किसी भी कंट्रोल वाल्व के कन्वर्टर आईक्यूपी कन्वर्टर का आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 से 20 मिली एम्पियर करंट, ऑप्शन बी 0 से 1 बार प्रेशर, ऑप्शन सी 3 से 15 mm वाटर कॉलम प्रेशर या ऑप्शन डी 3 से 15 psi प्रेशर। दोस्तों किसी भी I2P कन्वर्टर का आउटपुट एक प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू होती है 3 से 15 psi और इसका इनपुट होता है 4 से 20 मिली एम्पियर करंट। अर्थात कोई भी I2P कन्वर्टर जिसका इनपुट 4 टू 20 मिली एम्पियर होता है और उसका आउटपुट 3 से 15 psi प्रेशर होता है, अर्थात 4 मिली एम्पियर पर इसका आउटपुट 3 psi प्रेशर और 20 मिली एम्पियर इनपुट करंट पर इसका आउटपुट 15 psi प्रेशर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 से 15 psi प्रेशर। निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज इलेक्ट्रिक सर्किट्स का इंसुलेशन यूज करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है क्लैंप मीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है करंट ट्रांसफार्मर या ऑप्शन डी मैगर। दोस्तों क्लैंप मीटर, गैल्वेनोमीटर और करंट ट्रांसफार्मर तीनों का इस्तेमाल करंट का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि मैगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या केबल का इंसुलेशन मेजर करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैगर। अगला सवाल है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए इथरनेट केबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अप टू 1000 मीटर, ऑप्शन बी अप टू 200 मीटर, ऑप्शन सी अप टू 100 मीटर या फिर ऑप्शन डी अप टू 500 मीटर। दोस्तों किसी भी इथरनेट केबल की मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर तक हो सकती है। अगर उसकी लेंथ को इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे
तो सिग्नल का लॉस होना शुरू हो जाता है और डेटा ट्रांसमिशन में डेटा का लॉस हो जाता है। इथरनेट केबल की मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है वो है मैक्सिमम 100 मीटर। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन ए वाट मीटर, ऑप्शन बी एनर्जी मीटर, ऑप्शन सी पावर फैक्टर मीटर या फिर ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनर्जी मीटर। दोस्तों वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर और वोल्ट मीटर ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं, अर्थात पैरामीटर की जो भी करंट वैल्यू है उसको इंडिकेट करते रहते हैं, जबकि एनर्जी मीटर जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते रहते हैं उसको सम अप करके इंटीग्रेट करता रहता है। तो इसका सही उत्तर है एनर्जी मीटर।